स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे जैसन हस बटरफ्लाई लेमा, जिसको 1934 के अंदर प्रूव किया गया। इसको जस्ट बटरफ्लाई लेमा भी कहते हैं, क्योंकि जब हम सब ग्रुप की हस डायग्राम ड्रा करते हैं, वो डायग्राम एक बटरफ्लाई टाइप की होती है, जिसकी वजह से हम इसे जस्ट बटरफ्लाई लेमा भी कहते हैं। स्टूडेंट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेमा। सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, देन हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जेसन हस बटर बटर फ्लाई लेमा। सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, क्या है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या है, लेट एच कॉमा एच वन के कॉमा के वन सब ग्रुप ऑफ जी एंड एच वन इज नॉर्मल सब ग्रुप इन एच, के वन नॉर्मल सब ग्रुप इन के देन फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के वन इज नॉर्मल सब ग्रुप इन एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के। सेकेंड जो है हमारे पास क्या है, सेकेंड के वन इंटू एच इंटरसेक्शन H1 इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप इन के वन इंटू एच इंटरसेक्शन के। इसके बाद थर्ड जो है हमारे पास क्या है, H1 इंटरसेक्शन के इंटू एच इंटरसेक्शन के वन नॉर्मल सब ग्रुप इन एच इंटरसेक्शन के। इसके बाद नंबर फोर पर क्या है, एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के और एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के वन इज आसियोमोर्फिक टू के वन इंटू एच इंटरसेक्शन के और के वन इंटू एच वन इंटरसेक्शन के। This is also asymmorphic to H intersection K over H1 intersection K into H intersection K1. So this is a statement. जिसमें क्या कहा जा रहा है, H1 K1 are sub group of G and H1 is normal subgroup in H, K1 is normal subgroup in K, then हमारे पास first क्या है, H1 into H intersection K1 is normal subgroup in H1 into H intersection K, और second जो है हमारे पास क्या है, K1 into H1 intersection K is normal subgroup in K1 H intersection K, और third जो है हमारे पास क्या है, H1 intersection K into H intersection K1 is normal subgroup in H intersection K, और उसके बाद हमारे पास फोर जो है हमारे पास क्या है, H1 into H intersection K over H1 into H intersection K1 is isomorphic to H1 into H intersection K over K1 over H1 K। इसी तरह हमारे पास ये फर्दर जो है हमारे isomorphic है H intersection K over H1 intersection K into H intersection K1। So this is a statement of this theorem। इसके प्रूफ पर जाने से पहले हम इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे, देन हम इसके प्रूफ पर जाएंगे स्टूडेंट। तो इसकी डायग्राम क्या है हमारे पास स्टूडेंट, एच इंटरसेक्शन के एंड दिस इज एच
वन इंटरसेक्शन के, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, एच इंटरसेक्शन के वन, एंड दिस इज हमारे पास क्या आएगा, के वन इंटू एच इंटरसेक्शन के, एंड दिस इज हेयर के आ जाएगा, राइट। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास के वन इंटू एच एच इंटरसेक्शन के, ये एच वन आएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हेयर के वन, हेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, एच इंटरसेक्शन के वन। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एच आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के वन, नेक्स्ट हमारे पास एच वन, ये आ जाएगा हमारे पास एच वन इंटरसेक्शन के, एंड दिस इज अ डायग्राम। ये हमारे पास क्या है, इसकी डायग्राम की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, ये हमारे पास हैश डायग्राम है सब ग्रुप की। अब ये जो हमारे पास लाइन जो है ये शो कर रही है कि ये आपस में क्या है, सब ग्रुप है। तो हमने क्या करना है, अब हमने इस स्टेटमेंट को सबसे पहले वेल डिफाइंड प्रूव करना है। तो वेल डिफाइंड के लिए क्या करेंगे हम, इसको ये जो इसको हम इसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे, इसको हम इसके अंदर नॉर्मल प्रूव करेंगे, और इसको इसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप करेंगे तो देन ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो वेल डिफाइंड हो जाएगी। सो दिस इज अ हैश डायग्राम जो कि सब ग्रुप की है। ये तो स्टूडेंट स्टेटमेंट थी, अब हम इसके प्रूफ पर जाते हैं। प्रूफ भी क्या है स्टूडेंट, लेट कर लेते हैं, लेट एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू यू, उसके बाद एच वन इंटरसेक्शन के इंटू एच इंटरसेक्शन के वन इज इक्वल टू वी, इज इक्वल टू वी। तो ये स्टूडेंट हम इसमें लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू यू, एंड एच वन इंटरसेक्शन के और एच इंटरसेक्शन के वन जो है इज इक्वल टू वी। इट मीन्स इसको हमने यू का नाम दे दिया और इसको हमने किसका नाम दे दिया, वी का नाम दे दिया। एज एज स्टूडेंट एज एच वन इज सब ग्रुप इन एच, के वन इज सब ग्रुप इन के, एच है वो एच के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप था, के वन जो के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, इट मीन्स दैट सब ग्रुप भी हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम ये लिख रहे हैं, दिस इम्प्लाई दैट हमारे पास एच वन इंटरसेक्शन के सब ग्रुप है किसका, एच इंटरसेक्शन के जो कि इक्वल है किसके, यू के। इसी तरह हमारे पास दिस इम्प्लाई दैट एच इंटरसेक्शन के वन जो है ये सब ग्रुप है किसका, एच इंटरसेक्शन के जो कि इक्वल है यू के। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग टू, एक्स बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के वन, और स्मॉल यू बिलोंग टू कैपिटल यू बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाई दैट कि एक्स जो है वो बिलोंग करेगा एच से, एंड एक्स जो है वो बिलोंग करेगा किससे, के वन से। एच जो है यहाँ पर एज एच इज सब ग्रुप, एच के सब ग्रुप है, एंड एक्स यू जो है वो बिलोंग करते हैं किससे, एच से, एच से। एंड और दूसरा हमारे पास क्या है,
के जो है, के हमारे पास क्या, के वन इज नॉर्मल, ये क्या है हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, एंड एक्स कॉमा यू जो है ये बिलोंग करते हैं किससे, के वन से। सो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप एंड एंड नॉर्मल सब ग्रुप हमारे पास क्या आ जाएगा, तो चूंकि हम एच क्या है हमारे पास एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप इट मींस दैट कि ये इटसेल्फ अपने आप में क्या होगा, ये ग्रुप होगा, ग्रुप होगा तो इसके अंदर इनवर्स वाली प्रॉपर्टी और क्लोजर वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम ये लिखेंगे दिस इंप्लाई दैट कि यू एक्स यू इनवर्स जो है ये बिलोंग करेगा किससे, एच से, एंड एंड और इधर हमारे पास क्योंकि ये क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है, तो यहां से हम क्या कहेंगे, यहां से हमारे पास यू एक्स यू इनवर्स जो है ये बिलोंग करेगा किससे, के वन से। दिस इंप्लाई दैट कि यू एक्स यू इनवर्स बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के वन। तो ये हमारे पास जो कंडीशन, ये किसके नॉर्मल सब ग्रुप के लिए बन रही है, इट मीन्स दैट यहाँ से दिस इंप्लाई दैट कि ये जो हमारे पास एच इंटरसेक्शन के है, के वन, दिस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन यू। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसके अंदर, यू के अंदर, बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री हम ये कह सकते हैं कि एच वन इंटरसेक्शन के इज आल्सो नॉर्मल इन यू। ये हमारे पास क्या होगा, ये भी क्या इसके अंदर नॉर्मल होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट अब यहां पर स्टूडेंट दो सब ग्रुप का, दो नॉर्मल सब ग्रुप का प्रोडक्ट भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो दिस इंप्लाई दैट एच वन इंटरसेक्शन के इंटू एच इंटरसेक्शन के वन इज नॉर्मल सब ग्रुप इन यू। एक दो नॉर्मल सब ग्रुप का प्रोडक्ट भी एक क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, इनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा यू के अंदर। और ये किसके इक्वल है, ये हमने इक्वल ली होती वी के, ठीक है, यानी ये वैल्यू हमने किसके इक्वल रखी थी, वी के। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी इज नॉर्मल सब ग्रुप इन यू। सो फैक्टर फैक्टर ग्रुप यू ओवर वी इज डिफाइंड। यहां से हम फैक्टर ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं यू और वी, क्योंकि वी जो है वो यू के अंदर क्या है, नॉर्मल है। और इसमें हमने वेल डिफाइन के लिए हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट जो था ये नॉर्मल होना चाहिए इसके अंदर, यानी वी जो है यू के अंदर नॉर्मल होना चाहिए, वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया। अब हम क्या प्रूव करेंगे, अब हम इसको इसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे और इसको इसके अंदर नॉर्मल प्रूव करेंगे। नाउ एस एच वन इज नॉर्मल सब ग्रुप इन एच, एच वन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसके अंदर, एच के अंदर, एच इंटरसेक्शन के वन ये सब ग्रुप है किसका, एच का। और इसके साथ क्या है हमारे पास, एच जो है एच इंटरसेक्शन के वन इंटू एच वन ये भी हमारे पास क्या सब ग्रुप है, एच का। हमें क्या गिवन है, एच वन नॉर्मल है एच के अंदर, एच इंटरसेक्शन के वन ये सब ग्रुप एच का, और एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के वन ये भी क्या सब ग्रुप है, एच का। यानी कि ये जितने भी हमारे पास लाइंस हैं ये किसको शो कर रही हैं, ये आपस में सब ग्रुप को शो कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये इसके अंदर सब ग्रुप है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाई दैट कि एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के वन सब ग्रुप है किसके अंदर, एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के, यानी ये इसके अंदर सब ग्रुप है। तो यहाँ से दिस इंप्लाई दैट एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के वन इज नॉर्मल सब ग्रुप इन एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के। यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया एच वन इंटू एच एच इंटरसेक्शन के वन जो है ये नॉर्मल है इसके अंदर। तो दिस इज अ प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री हमारे पास क्या है, दिस के वन इंटू एच वन इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सब ग्रुप इन के वन
इंटू एच इंटरसेक्शन के। हमने ये भी प्रूव कर दिया कि के वन बाय सिमेट्री से हम ये भी कह सकते हैं कि ये के वन जो है, के वन इंटू एच इंटरसेक्शन के जो है, ये नॉर्मल होगा किसके अंदर, के वन इंटू एच इंटरसेक्शन के अंदर। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट थी वो क्या है, वेल डिफाइन है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक मैप डिफाइन करेंगे दो ग्रुप्स के दरमियान, और उस मैप को हम प्रूव करेंगे एपिमॉर्फिज्म। तो देन फंडामेंटल थ्योरम और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को यूज़ करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ग्रुप होंगे वो आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। तो सबसे पहले हम मैप डिफाइन करते हैं। डिफाइन अ मैप, मैप फाइ फ्रॉम एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के से यू ओवर वी बाय बाय फाइ ऑफ एच एच वन यू इज इक्वल टू वी यू वी यू वे यू बिलोंग टू कैपिटल यू। फाइन की है एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के से यू और वी बाय फाइ ऑफ एच वन यू इज इक्वल टू वी यू वेयर यू जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल यू। सबसे पहले तो हम इसको वेल डिफाइंड प्रूव करेंगे, इस मैप को फॉर वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड के लिए क्या करते हैं कि हम इसके एलिमेंट सेम लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि इसके इमजी जो है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट एच वन यू वन इज इक्वल टू एच टू यू टू। ये हम इसके एलिमेंट सेम लेकर चल रहे हैं और प्रूव करेंगे कि इसकी इमजी जो है वो क्या आएंगी, सेम आएंगी। दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से हमारे पास क्या है, एच टू इनवर्स एच वन यू वन इज इक्वल टू यू टू, एंड दिस इम्प्लाई दैट एच टू इनवर्स एच वन इज इक्वल टू यू टू यू वन इनवर्स, वेयर वेयर एच वन कॉमा एच टू बिलोंग टू कैपिटल एच वन। वन इंटरसेक्शन के जो है ये सब ग्रुप है किसका, वी का, यू जो होगा वो बिलोंग कर जाएगा वी से। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास दिस इम्प्लाई दैट ये आ जाएगा वी ऑफ यू वन इज इक्वल टू वी ऑफ यू टू, एंड दिस इम्प्लाई दैट फाई ऑफ एच वन यू वन इज इक्वल टू फाई ऑफ एच टू यू टू, सो फाई इज वेल डिफाइंड। यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया, हम इसके एलिमेंट सेम लेकर चले थे और प्रूव कर दिया कि इसकी जो इमजी जो है वो सेम आ रही है, सो हमारे पास जो मैप है वो क्या है, वेल डिफाइंड। अब हम स्टूडेंट्स को प्रूव करेंगे कि ये मैप जो है हमारे पास क्या है, एक ऑन टू है स्टूडेंट। तो ऑन टू के लिए क्या है वो देखते हैं स्टूडेंट। फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए फॉर ईच एलिमेंट ऑफ यू ओवर वी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के सच दैट फाई ऑफ एच वन यू इज इक्वल टू वी यू वे यू बिलोंग टू कैपिटल यू, सो फाई इज ऑन टू। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑन टू में क्या कहा जा रहा है, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ यू और वी, यानी इसकी को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन एच वन टू एच इंटरसेक्शन के, यानी कि इसकी डोमेन के अंदर कम अज कम एक एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करना चाहिए इसकी डोमेन के अंदर, सच दैट फाई ऑफ एच वन यू इज इक्वल टू वी यू वेयर यू बिलोंग, सो फाई इज ऑन टू। इट मीन्स दैट स्टूडेंट कोई भी मैप जो है वो ऑन टू तब होगी जब उसकी को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए उसकी डोमेन के अंदर कम अज कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, देन हम उस मैप को किसका नाम देंगे, ऑन टू का नाम देंगे। तो यहाँ पर इसकी डोमेन के अंदर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा इसकी डोमेन के अंदर, इसके अंदर इसकी को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए इसकी डोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट पड़ा है सच दैट फाई ऑफ एच वन इज यू इज इक्वल टू, सो
हमारे पास ये मैप जो है आई इज ऑन टू। तो अब हम इस मैप को क्या प्रूव करेंगे, अब हम इसको प्रूव करेंगे ये मैप जो है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है स्टूडेंट। फॉर होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट फाई एच वन यू वन डॉट एच टू यू टू इज इक्वल टू फाई ऑफ एच वन एच टू यू वन यू टू, वेयर एच वन यू वन और एच टू यू टू, ये हम इसकी डोमेन में से ले रहे हैं जो हमने मैप डिफाइन की है उसमें से ले रहे हैं। यहाँ से हमारे पास क्या अकॉर्डिंग टू मैप क्या आ जाएगा, हमारे पास v ऑफ u1 u2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, v u1 इंटू ये हमारे पास क्या आएगा v u2 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोसर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, फाई ऑफ h1 u1 डॉट फाई ऑफ h2 u2 यू टू अकॉर्डिंग टू मैप। सो फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पर हमने मैप जो हमने डिफाइन की थी फाई उसको हमने प्रूव कर दिया है कि हमारे पास वो क्या है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। सो यहाँ से हम कहेंगे दिस इंप्लाई दैट फाई इज एपीमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म फाई जो है हमारे पास क्या है, एपीमॉर्फिज्म है। सो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बाय फंडामेंटल थ्योरम, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के ओवर ओवर डब्ल्यू इज आसियोमॉर्फिक टू यू ओवर वी, दिस इक्वेशन इज वन। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ये एज वेयर वेयर कैपिटल डब्ल्यू इज कर्नल कर्नल ऑफ फाई, हमारे पास W जो है वो क्या है, कर्नल ऑफ फाई है, वी विल विल प्रूव, वी विल प्रूव दैट W इज इक्वल टू H1 वन इंटू एच इंटरसेक्शन K1। अब हमने इनको प्रूव करना है, हमें पता है कि जब हम दो सेट्स को इक्वल प्रूव करते हैं A सबसेट B एंड B सबसेट A, दिस इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ये हम रिजल्ट यूज करेंगे कि अगर एक सेट जो है बी का, ए जो है वो बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो देन ए और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही हम प्रूव करेंगे, डब्ल्यू को हम इसका सबसेट प्रूव करेंगे और इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे तो देन ये दोनों सेट जो है आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। अब हम इसको प्रूव करते हैं स्टूडेंट, लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉल डब्ल्यू बिलोंग टू कैपिटल डब्ल्यू देन देन स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू एच वन यू फॉर सम एच वन बिलोंग टू कैपिटल एच यू बिलोंग टू कैपिटल यू, अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारा फाई ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू फाई ऑफ एच वन यू और ये किसके इक्वल, v u के, जो कि इक्वल है हमारे पास क्या है v के, वेयर हमारे पास u जो है वो बिलोंग करेगा v से, तो फाई ऑफ w इज इक्वल टू दिस, यानी यहाँ पर हमारे पास जब इसको मैप डिफाइन करेंगे तो ये जो u होगा वो किससे बिलोंग करेगा, v से बिलोंग करेगा, एज एज u बिलोंग कर रहा है किससे, v से, u जो है किससे बिलोंग कर रहा है, v से बिलोंग कर रहा है, अगर v से बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ से दिस इम्प्लाई दैट कि u इज इक्वल टू a डॉट b वन, वेयर ए जो है वो
ए बिलोंग करेगा किससे, एच इंटरसेक्शन के वन, और बी जो है बी वन जो है वो बिलोंग करेगा किससे, एच वन से। यहाँ पर इसके हम जब पोजीशन चेंज करेंगे, दिस इम्प्लाई दैट कि u इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी इसके हम पोजीशन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास b है, b ये भी हमारे पास किससे आ रहा है, h1 में से आ रहा है, यानी b जो है वो भी किस में से आ रहा है, h1 में से आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाई दैट u बिलोंग कर रहा है b, और b किससे बिलोंग कर, h1 से बिलोंग कर रहा है, और a जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, h इंटरसेक्शन k1, u जो है वो बिलोंग कर रहा है h1 into h इंटरसेक्शन k1 से। अब यहाँ पर यहाँ से हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाई दैट w इज सब सेट है किसका, h1 into h इंटरसेक्शन k1। अब कहोगे कि सर यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट जो है वो किसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट हमने जो जो एलिमेंट w लिया है वो किसके इक्वल है, w हमारे पास इक्वल है h1 into u, फॉर सम h1 बिलोंग टू, सॉरी हियर h1, ठीक है, अगर u इसके अंदर लाई कर रहा है, w भी इसके अंदर लाई करेगा, सो यहाँ से हम क्या कहेंगे, w जो है वो सबसेट है h1 into h इंटरसेक्शन k, एंड दिस इक्वेशन नंबर इज 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं स्टूडेंट। के बाद नेक्स्ट क्या है, अब हमने क्या किया कि हम एलिमेंट लेकर चले थे w में, और वो चला गया कहाँ पर, वो एलिमेंट जो है कहाँ चला गया, इसके h1 into h इंटरसेक्शन k। अब हम इसमें से एलिमेंट ले गए और इसको प्रूव करेंगे कि वो किसके अंदर जा रहा है, w के अंदर जा रहा है स्टूडेंट। लेट कर लेते हैं, कन्वर्सली के लिए हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट लेकर चलते हैं, लेट h1 u बिलोंग टू h1 into h इंटरसेक्शन k, यानी इसमें से हम एक एलिमेंट लेकर चल रहे हैं, हमारे पास क्या है phi of, जब इसमें मैप डिफाइन करेंगे तो ये हमारे पास h1 u इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा v u, जो कि इक्वल है किसके, v के, अकॉर्डिंग टू मैं, यानी u जो है किससे बिलोंग कर रहा है, v से। यहाँ से phi of h1 u इज इक्वल टू v के आ जाएगा। अब यहाँ पर हैंस ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास किसके इक्वल, ये एलिमेंट हमारे पास h1 u जो है ये बिलोंग करता है किससे, w से। दिस इम्प्लाई दैट h1 into h इंटरसेक्शन k1 सबसेट है w का, कि हम इसमें से एलिमेंट लेकर चले थे और वो एलिमेंट कहाँ चला गया, w के अंदर, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये जो है सबसेट है w का, एंड दिस इक्वेशन नंबर ये हमारे पास क्या है, थ्री, बाई इक्वेशन टू एंड थ्री से क्या आएगा हमारे पास, बाय इक्वेशन टू एंड थ्री, बाय इक्वेशन टू एंड थ्री हमारे पास क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के वन। इसको पुट कर देंगे, पुट इन वन, इसको जब हम वन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के ओवर एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के वन इज आस्योमॉर्फिक टू यू ओवर वी, एंड दिस इक्वेशन इज वन, इसको हम वन का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू किसके इक्वल है, u की वैल्यू ये है h इंटरसेक्शन k, और v की वैल्यू क्या है ये, अब हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन k ओवर एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन k1 इज आस्योमॉर्फिक टू, u की वैल्यू किसके इक्वल है, h इंटरसेक्शन k ओवर ये आ जाएगा हमारा h1 इंटरसेक्शन k इंटू h इंटरसेक्शन k1। तो ये स्टूडेंट हमने इसका फर्स्ट ग्रुप जो है स्टेटमेंट का वो हमने प्रूव कर दिया है कि हमारे पास एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन k ओवर एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन k1 इज आस्योमॉर्फिक टू h इंटरसेक्शन k ओवर एच वन इंटरसेक्शन k h इंटरसेक्शन k1। तो ये हमने इसका फर्स्ट जो है फैक्टर ग्रुप जो स्टेटमेंट का जो फर्स्ट फैक्टर ग्रुप है वो हमने इसको प्रूव कर दिया है। इसका सेकंड जो है वो क्या है हमारे पास, आल्सो बाय इंटरचेंज
इंटरचेंज क्या करेंगे, एच को के के अंदर चेंज हो जाएगा और एच वन जो है वो चेंज हो जाएगा के वन के अंदर, इन इक्वेशन वन। यानी कि हम यहां पर इस इक्वेशन के अंदर इंटरचेंज करेंगे, एच जो है वो के अंदर चेंज हो जाएगा और एच वन जो है वो किसके अंदर चेंज होगा, के वन के अंदर। जब हम इंटरचेंज करेंगे तो यहां से हमारे पास दिस इंप्लाई दैट के वन इंटू एच इंटरसेक्शन के ओवर, ये हमारे पास है के वन इंटू एच एच वन इंटरसेक्शन के is isomorphic to u over v, and this equation is 2 by 1 and 2 by 1 and 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, by 1 and 2 हमारे पास आ जाएगा h 1 into h इंटरसेक्शन के ओवर ओवर एच वन इंटू एच इंटरसेक्शन के वन इज आइसोमॉर्फिक टू के वन इंटू एच इंटरसेक्शन के ओवर के वन इंटू एच वन इंटरसेक्शन के। हेंस प्रूव्ड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका प्रूफ था, इसकी जो सेकंड जो फैक्टर ग्रुप था वो ये था। तो इसके अंदर स्टूडेंट हमने किया क्या है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने स्टेटमेंट को वेल डिफाइंड प्रूफ किया है। वहाँ स्टूडेंट हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को यूज़ किया है कि इट मीन्स दैट कि हमने एक मैप डिफाइन की है और उस मैप को हैप्पी मॉर्फिज्म प्रूव किया है। देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप थे वो आपस में आइसोमॉर्फिक हो गए। इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये जो डायग्राम है जी आपको अच्छी तरीके के साथ क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इस ग्रुप्स के दरमियान मैप को डिफाइन कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि हम इस थ्योरम के अंदर करना क्या चाहते हैं। पूरा डायलेमा है, इसको हम आगे शराय रिफाइनमेंट थ्योरम के अंदर भी यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायलेमा। ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.